अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड गुड। और आज की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो है हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट बुक्स फॉर सीएसएस, कि सीएसएस के लिए आपके सीएसएस के लिए आप बेस्ट बुक्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं कि सीएसएस के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैंने एक ऐसा बुकलेट आपके लिए डाउनलोड किया है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके लिए कौन सी बुक जो है वो बेस्ट है। तो इसमें मैं आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स का भी गाइड करूंगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का भी गाइड करूंगा कि आप कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कौन सी बुक जो है वो लें, जिस वजह से आपको बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं बुक्स के लिए, क्योंकि बुक्स का काफ़ी प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट्स को। तो इसमें मैंने आपके लिए बेस्ट शॉर्ट रूट बुक्स ली हैं कि हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट बुक्स फॉर सीएसएस एग्जाम बोथ कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको गाइड करता हूँ जी, एक बुकलेट मैंने डाउनलोड किया था सीएसएस बेस्ट बुक्स का, उसमें से मैं आपको बुक्स दिखा देता हूँ जी। ये बुकलेट है जी, सीएसएस रिकमेंडेड बुक लिस्ट है। सबसे पहले सीरियल नंबर है और ये इंग्लिश एसे का सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ है कि अंडरस्टैंड टॉपिक, फिगर आउट वेदर यू आर गुड इन फिलोसफिकल टाइप एसे और करंट अफेयर बेस। सबसे पहले आपने अपना मेंटल लेवल चेक करना है। डोंट जस्ट अटेम्प्ट द वन अबाउट विच यू हैव रीड समथिंग इफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड इट्स टू डायमेंशन एंड डिमांड। अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली विल लैंड यू इन सेफ जोन। डोंट रश एंड टेक टाइम टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इंग्लिश ऐसे का जो पेपर होता है उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपने स्टेटमेंट को समझना है। अगर मैं आपको एक इंग्लिश ऐसे का पेपर दिखाऊं तो उसमें आपने स्टेटमेंट को समझ के और फिर आपने इंग्लिश ऐसे को अटेम्प्ट करना होता है। मींस कि अगर आप उस जोन से थोड़ा सी भी बाहर हो गए तो फिर आपका इंग्लिश ऐसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश ऐसे में फेल हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंग्लिश का ऐसे है और उसमें वो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेटमेंट देते हैं के हाउ टू ओवरकम एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान इफेक्ट्स, या फिर प्लान्स आके वो लिखते थे। तो अब अगर वो आपसे पूछते हैं हाउ टू कवर एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो इसमें आप सिर्फ पॉइंट्स के लिहाज से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ डिफाइन करें कि एनर्जी क्राइसिस होते क्या हैं, और उसके बाद एनर्जी की हमें ज़रूरत क्या है, मतलब कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। फिर आप उसके इफ़ेक्ट्स बताएं कि इफ़ेक्ट्स कैसे पड़ते हैं, और फिर प्लान्स, मतलब आपसे उन्होंने सिर्फ तीन चीज़ें ही पूछी हैं। तो आप इन तीन चीज़ों पर ही डिस्कशन करेंगे, जिस लिहाज से आपका ऐसे जो है वो एक प्रॉपर चैनल या थ्रू प्रॉपर वे की तरफ जाएगा। तो इंग्लिश ऐसे पे जो फर्स्ट आपके लिए है बेटर राइटिंग नाउ, फ्रेंच जी कल को लर्निंग एक्सप्रेस पब्लिशर हैंस के, और हाउ टू राइट अ गुड ऐसे लर्न स्टार के की है लर्निंग एक्सप्रेस। ये आपके लिए ऐसे की बुक्स हैं बेस्ट वाली जो आप ले सकते हैं। उसके बाद है इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन में है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रेन एंड मार्टिन की, ऑक्सफोर्ड पब्लिशर हैंस के। उसके बाद है पॉलीमर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर बीए, ये है चिश्ती बी ए आर ए खान ऐसी हामिद, और ये भी पॉलीमर्स की है। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश सैयद सादत अलीशा इल्मी की है ये बुक, और वोकैबुलरी के लिए और चैलेंजिंग वोकैबुलरी के लिए आपके पास सैट एंड गैट की बुक्स हैं, और रेड स्पॉट पब्लिशर है इसमें। उसके बाद है जी जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आपके पास प्रोफेसर मोहम्मद अक्रम कश्मीरी की बुक है, और जेड जहांगीर वर्ल्ड की जो साइंस एंड एबिलिटी है मियाँ शफी वर्ल्ड टाइम्स की है, और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ईडीएस डॉक्टर अब नवाज। तो ये आपके लिए जनरल साइंस की बेस्ट बुक है। जी मैट गैट सेट फॉर एबिलिटी पोर्शन, एबिलिटी पोर्शन के लिए आपने जी मैट की बुक ले लेनी है, गैट की या फिर सेट की बुक ले लेनी है एबिलिटी पोर्शन के लिए। उसके बाद है जी पाकिस्तान अफेयर्स की बुक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड हार्ट कंट्री, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, मेकिंग सेंस ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग चैलेंजेस एंड पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट। तो ये बेस्ट बुक्स हैं इसके लिए आपके सामने आगे। मलिया लोधी की है, ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉर एम्बेसडर हैं क्रिश्चियन फेयर, फरजाना शेख, स्टेफन कोहेन, अर्थुर लेविन, नैन काजमी और अहमद खान। इनके पब्लिशर आपके सामने मेंशन है, ऑक्सफोर्ड पब्लिशर हैं, ब्रोकिंग्स हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस है, और ऑक्सफोर्ड रिलेटेड यहाँ पे पाकिस्तान अफेयर्स की बुक्स मेंशन है। फिर अगर आप करंट अफेयर्स में आते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए आपके ये बेहतरीन, मैं कहता हूँ सबसे अच्छे जो हैं लिंक मेंशन है कि आप द डिप्लोमेट डॉट कॉम को विजिट करें, फॉरन अफेयर्स को डाउन करें, वर्ल्ड अफेयर जर्नल्स डॉट ओ आर जी, सी एस सी आर डॉट पी के, और यू एस आई पी,
ये वेबसाइट्स मेंशन हैं, आप इन वेबसाइट्स को अगर विजिट करेंगे तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर योर करंट अफेयर पेपर। और पाकिस्तान एंड्यूरिंग चैलेंजेस में क्रिस्टन फेयर है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान अब्दुल सत्तार ऑक्सफोर्ड के जो आपको मिल जाएगी, और मॉडर्न साउथ एशिया के लिए आयशा जलाल की बुक है, और द चाइना पाक एक्सिस पॉलिसी ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स एंड जर्नल्स एंड्रू स्मॉल, तो ये बुक उनकी आपको मिल जाएगी जी। उसके बाद ये एंड पे एक नोट मेंशन है कि आप डॉन भी डेली पढ़ें, डिप्लोमेटिक न्यूज़पेपर है, इकोनॉमिस्ट है, और वेल डेट एक आपके पास है, तो ये आप यूज़फुल लिंक्स हैं आपके लिए करंट अफेयर के पेपर के लिए। उसके बाद ये इस्लामिक स्टडीज़ में आपके लिए इस्लामियात इट्स मीनिंग एंड मैसेज के लिए प्रोफेसर खुर्शीद द इस्लामिक फाउंडेशन इसके पब्लिशर्स हैं, इस्लामिक स्टडीज़ हाफिज करीम देर चुख्ताई इंट्रोडक्शन टू इस्लाम हमीदुल्ला इस्लाम एट द क्रॉस रोड अल्लामा मोहम्मद असद। उसके बाद है लाइफ ऑफ प्रॉफिट शफी रहमान और अल मुबारकपुरी। उसके बाद इस्लामियात ओ लेवल्स की आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और टॉपिक रिलेटेड डिस्कशन ऑफ डॉक्टर इसरार एंड जावेद कमेदी कुड बी हेल्पफुल टू बी एक्सटेंड। सो टॉपिक रिलेटेड अगर आप उठाएंगे तो वो भी आपके लिए फ़ायदा होगा। तो ये मैंने आपको सिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की बुक्स ऑथर बताई हैं जो इंतहाई बेस्ट हैं आपके लिए, और इसमें आपको इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल्स भी मिलेगी, और इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर होगा कि हाउ टू सेलेक्ट ऑप्शनल, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट बुक्स फॉर सीएसएस एग्ज़ाम। इसमें मैं आपको सिर्फ कंपलसरी की डिटेल्स बताऊंगा, अगर ऑप्शनल्स की बताई तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसमें कंपलसरी का ही बताऊंगा, और उसके बाद ऑप्शनल का इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हाउ टू सेलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बुक्स फॉर सीएसएस एग्ज़ाम। तो ये आप ज़रूर इसमें से आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा इन बुक्स का कि कौन सी बुक्स यहाँ से बेस्ट हैं। आप वीडियो देखकर यहाँ पर बुक्स का नाम भी लिख सकते हैं कि जो बुक्स आपके लिए मेंशन है। अगर मैं आपके लिए यहाँ से थोड़ा जूम कर दूँ तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कि अगर आपको यहाँ से ईजिली एलेबोरेट हो जाएगा कि यहाँ से इंग्लिश ऐसे की बुक आपको मेंशन है, फिर आप इंग्लिश प्रेसिक पोजिशन की आपके सामने चार बुक्स मेंशन हैं, फिर जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ की बुक्स आपके सामने मेंशन हैं, और पाकिस्तान अफेयर्स की बुक आपके सामने मेंशन है। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूजफुल लिंक्स, और उसके अलावा ये फॉरेन पॉलिसी इससे रिलेटेड आपके सामने डिटेल्स मेंशन हैं, डॉन डिप्लोमेट इकोनॉमिक्स एंड पीरियड ये आपके लिए बेस्ट आर्टिकल्स व रिलेटेड न्यूज़पेपर्स हैं। इस्लामिक स्टडीज़ में आप ये देख सकते हैं कि इस्लामिक स्टडीज़ में आपके लिए बेस्ट ये वाले सब्जेक्ट्स यानी ये वाले ऑथर्स की बुक्स हैं जो आपके लिए बेस्ट हैं। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर होगा, और उसी में आपको डिटेल से बताऊँगा कि आप उसमें कैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियो फॉर सीएसएस स्टूडेंट्स टू क्रैम और टू क्रैक द हार्ड टाइम ऑफ सीएसएस। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इधर नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको जरूर सीएसएस के बारे में और टिप्स भी गाइड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें और लाइक करें ताकि उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो, और मोस्टली तौर पे ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीएसएस की बुक्स के मामले में काफ़ी परेशान होते हैं। तो आई थिंक ये उनके लिए सबसे बेस्ट वीडियो है जिसमें वो बुक्स से रिलेटेड उनकी टेंशन जो है वो हल हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।